फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ शॉर्ट ट्रिक आली देर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपको दोस्त फाजिल खान। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक्सरसाइज 8.4 का सलूशन। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और 8.3 का सलूशन डाल दिया है। तो फ्रेंड्स चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए एक्सरसाइज 8.4 के वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वन नंबर क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेके और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए जो साइन ए और सेके और टेन ए जो दिया है ये आपको किसमें पता करना, कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो फ्रेंड्स हम आपको अब बताते हैं। देखिए तो फ्रेंड्स देखिए एक्सरसाइज 8.4। फ्रेंड्स इससे पहले मैंने 8.1, 8.2, 8.3 का डाल दिया, आज मैं पूरी एक्सरसाइज 8.4 सॉल्व कर दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन नंबर वन है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेने को कोटे के पदों में व्यक्त करो। ठीक है, तो इसको किसके पदों में व्यक्त करना है, साइने, तो वो साइने को भी कोटे के और सेके को भी कोटे के और टेने को भी कोटे के पदों में व्यक्त करना है। तो फ्रेंड्स देखिए साइन ए बराबर फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए साइन ए बराबर क्या होता है, आपको पता है साइन ए बराबर होता है 1/cosec। साइन ए बराबर क्या होता है, 1/cosec। तो देखिए अब 1/cosec ए बराबर क्या होता है, √1 cot² a। ठीक है, देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हुआ। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, साइन ए और सेके। तो देखिए सेके बराबर देखिए क्या होता है, √1 tan² a। आप लोग जानते होंगे सेके बराबर क्या होता है, √1 tan² a। अब देखिए तो सेके बराबर 1 और टेन ए को क्या ले सकते हैं हमें, 1/cot² a। ठीक है, तो देखिए इधर इसके तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 से, तो क्या हो जाएगा cot² a और +1/√cot² a। तो देखिए अब देखिए ये अंडर रूट के अंदर रहने देंगे, cot² a +1/ ये स्क्वायर से रूट, इसका ये रूट के बाहर निकल आएगा cot a। ठीक है, ये भी हो गया। अब देखिए फोर्थ मेरा बोल लिया था क्या, साइन ए कोसाइन ए सेके और टेन ए। तो देखिए टेन ए को भी दिखा देना है, तो टेन ए बराबर क्या होता है, 1/cot a। तो टेन ए बराबर 1/cot a, इसका भी सोल्व हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर टू को सोल्व कर लेते हैं जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर टू है, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। करें कोण ए के अन्य सभी त्रिकोण मितीय अनुपातों को से के पदों में व्यक्त कीजिए। देखो ये कोण ए है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि साइन ए, कॉस ए, टेन ए, सेक ए और कोसेक ए, कॉट ए, मतलब सबको दिखाना है सेके के पदों में। ठीक है, आपको सबको जितने भी ये हैं त्रिकोण मितीय अनुपात, उन सबको त्रिकोण मितीय अनुपातों को सेके के पदों में आपको व्यक्त करना है मतलब। तो देखिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर इसके ऊपर। तो देखिए क्या दे रहा है, कोण ए के कोण ए मतलब जैसे थीटा की जगह मतलब ये यहाँ पर ए लिया जाएगा। ठीक है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को तो कोसे के के में लिखिए। देखिए अब ये कोणे है, इस कोणे को हमें किस में लिखना है, यानी साइन ए, कॉस ए, टेन ए को, इसको सबको मतलब जो है हमें सेके के पदों में रिप्रेजेंट करना है। तो फ्रेंड देखिए अब हम यहाँ पर क्या लिख ले रहे हैं, सबसे पहले ले ले रहे हैं साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है, आपको पता है साइन ए बराबर होता है √1 cos² a। मैंने कॉस क्यों लिया, क्योंकि कॉस को हम सेक के पदों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो रिप्रेजेंट मतलब प्रदर्शित कर सकते हैं। तो कॉस ए बराबर तो 1 cos a क्या तोड़ सकते हैं, 1/sec² a। तो देखिए इधर अब इसकी फिर से मल्टीप्लाई कर दे रहा, तिरछी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, sec² a -1/
sec square a, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर ली sec square a माइनस वन अपन sec square a। अब देखिए ये आ गया, अब इसको क्या कर लेंगे, अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे, sec square a माइनस वन अपन sec a, ये स्क्वायर स्क्वायर से ये रूट के बाहर निकल आया, ठीक है। अब देखिए साइन ए निकाल लिया मैंने, अब आप कॉस ए निकाल लेते हैं, तो कॉस ए कह रहा है कॉस ए को भी किसके किसके पदों में व्यक्त करिए, कॉस ए को से के पदों में, तो कॉस ए बराबर आप खूब अच्छी तरीके से जानते हैं से के होता है, ठीक है। अब दूसरा, अब थर्ड नंबर क्या बचा है, देखिए टेन ए, देखिए इसे सेकेंड डाल दें, ये थर्ड डाल दें, ठीक है। टेन ए, टेन ए बराबर क्या होता है आपको, टेन ए बराबर होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। मैंने ये ए इसलिए लिया क्योंकि वो कह रहा है कोण है, ठीक है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक है। अब देखिए फोर्थ ले लेते हैं, कौन सा वाला, कॉट ए, मान लिया कॉट ए ले लिया, तो कॉट ए को क्या लिख लेंगे, वन अपान टेन ए, वन अपान टेन ए को किसके बराबर होता है, कॉटे के बराबर होता है, तो यानी कॉटे बराबर वन अपान टेन ए, और वन अपान टेन ए कॉटे के बराबर होता है, तो वन अपान टेन ए, तो वन अपान, अब देखिए टेन ए की वैल्यू मैंने कितनी निकाली यहाँ पर, सेक स्क्वायर ए माइनस वन, तो बस यही वैल्यू यहाँ पर रख दे रहे हैं। अब देखिए ये भी लग गया, अब अगला मेरा कौन सा बचा है, कोसेक, अब देखिए कोसेक बचा है, तो कोसेक बराबर आप खूब जानते हैं कि कोसेक बराबर क्या होता है, वन अपान साइन है, कोसेक ए बराबर वन अपान साइन है, यानी वन अपान साइन है किसके बराबर होता है, कोसेक ए बराबर, तो वन अपान साइन है, तो वन अपान, अब देखिए साइन ए बराबर मैंने निकाला था, अभी साइन ए बराबर निकाला था, देखिए आप लोग अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपान सेक ए, तो यानी यहीं पर साइन ए की वैल्यू क्या रख देंगे, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपान सेक ए, ठीक है। अब देखिए सेक ए की वन से ऊपर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सेक ए अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को सोल्व कर लेते हैं जल्दी से, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कौन सा है, थर्ड भी क्वेश्चन नंबर बहुत इजी है, तो देखिए थर्ड क्वेश्चन नंबर है, कह रहा है कि मान निकालिए साइन स्क्वायर तिरसठ, साइन स्क्वायर सत्ताईस, कॉस स्क्वायर सत्रह, कॉस स्क्वायर तिहत्तर, तो देखिए लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को, क्या कह रहे हैं, मान निकालिए, मान निकालिए क्या है, देखिए साइन स्क्वायर तिरसठ प्लस साइन स्क्वायर सत्ताईस डिग्री अपान कॉस स्क्वायर सत्रह प्लस कॉस स्क्वायर सेवेंटी थ्री डिग्री। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी जल्दी से बना लेते हैं, देखिए अब यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस सत्ताईस, ठीक, मतलब 90 में से 27 अगर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, साइन तिरसठ ही, साइन स्क्वायर तिरसठ ही बचेगा, और साइन स्क्वायर सत्ताईस सेम रहने देंगे। अब देखिए चौफर साइन सत्ताईस को भी हम बना सकते हैं 90 माइनस तिरसठ करके, ठीक है। तो देखिए इधर अब इसको भी लिख ले रहे हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73। अब देखिए ये वाला दिख रहा है, इधर वाला, ये वाला पद को मैं घटा देता हूँ इसमें से, अगर घटाएंगे तो 90 में से 27 जाएंगे कितने बचेंगे, तिरसठ, और 90 में से 73 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 17, और उधर वाला स्टेप सेम लिख लिया जाता है कॉस स्क्वायर 73। तो देखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कितने हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर 27 और प्लस साइन स्क्वायर 27, ठीक है, अपान कॉस स्क्वायर 90 माइनस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर 73, यानी थीटा जहाँ कितना है यहाँ पर 73 है, ठीक है 73 लिख लिया, और प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो देखिए साइन स्क्वायर, अब देखिए इधर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, या फिर कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 बराबर 1, और साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 बराबर 1, तो उत्तर कितना आ जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 1। देखिए अब क्वेश्चन नंबर फोर को जल्दी से बना लेते हैं, चौथा क्वेश्चन नंबर नहीं क्वेश्चन नंबर थर्ड का है सेकेंड पार्ट, देखिए साइन 25 कॉस कॉस 65 कॉस 25 साइन 65, साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65, ठीक है। अब जल्दी से इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए यही बहुत क्वेश्चन क्वेश्चन इजी है, तो वैसे क्या लिख लेंगे साइन 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 65,
यानी साइन 90 में से अगर 65 घटाएंगे तो कितना बचेगा 25, और कॉस 65 को सेम रहने देंगे, ठीक है। और प्लस इसमें भी कर लेंगे कॉस 90 माइनस 65, कॉस 90 माइनस 65 मतलब कॉस 25 बचेगा, ठीक है। अब साइन 25 को सेम लिख लिया, साइन 65 को सेम लिख लिया, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा यानी कॉस 65 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी साइन थीटा का कितना है यहाँ पर 65 है, साइन 65 लिख लिया। और देखिए साइन 65 कॉस 65 और कॉस 65 कॉस 65 यानी कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन 65 इंटू साइन 65 कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 65। तो देखिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है बराबर कितना आ जाएगा 1। जल्दी जल्दी से अब क्वेश्चन नंबर 4 को बना लेते हैं। देखिए सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखिए कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने साइंस एक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है। देखिए जल्दी से लिख लेते हैं, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पुष्टि करें, ठीक है। तो आपको इसमें सही ऑप्शन बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन चौथे में दिया है, देखिए 9 सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, 9 10 स्क्वायर है, ठीक है। तो आपको बताना है 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है बराबर है। तो देखिए 9 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर से, सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, ठीक है। और 9 और सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर क्या होता है 1, तो बराबर 9। अब देखिए 9 सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर होता कैसे 1 है, तो देखिए सेक स्क्वायर बराबर क्या लिखते क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर है और माइनस 10 स्क्वायर है, तो ये 1। देखिए सेक स्क्वायर बराबर क्या लिख लेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर है, तो अब माइनस के 10 स्क्वायर है सेम रहने दिया, तो 10 स्क्वायर कैंसिल 1 बचा। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथे का सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं बस जल्दी से। देखिए 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, 10 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो देखिए ये लिखा 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो देखिए 1 प्लस सेक 10 थीटा क्या लिख लेंगे हम साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और प्लस सेक थीटा क्या लिख लेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। वैसे इसे भी सेम तोड़ लेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो देखिए इधर इसकी मल्टीप्लाई देखिए, पहले अभी ऐसे रुक जाइए कि स्टेप और बढ़ाने 1 प्लस, अब देखिए इसमें हर समान है दोनों के, तो अंशों को डायरेक्ट जोड़ दे रहे साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। देखिए इन दोनों के ये और ये देखो साइन थीटा अपन कॉस थीटा और प्लस 1 अपन कॉस थीटा, इन दोनों का हर समान अंशक डायरेक्ट जोड़ दिया, ठीक है। ऐसे ही सेव करेंगे 1 प्लस, देखिए इनमें भी हर समान अंशक डायरेक्ट जोड़ देंगे कॉस थीटा माइनस 1 अपन साइन थीटा। अब देखिए कॉस थीटा की 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपन कॉस थीटा, इसमें देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपन साइन थीटा, ठीक है। तो देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फार्मूला बन गया, ये ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला क्या होता है देखिए आप लोग को हम लिख के बता देना है, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, याद कर लीजिए इस चीज़ को आप लोग। तो देखिए यहाँ पर क्या ये यहाँ पर कितना पार्ट है, ये पार्ट जो दिख रहा है आपको है ये पार्ट जो दिख रहा है आपको है, देखिए ये वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको ये तो ए हो गया और ये वाला पार्ट कितना ये बी हो गया, इसमें भी ये वाला पार्ट ए हो गया और ये वाला पार्ट ये बी हो गया। तो देखिए अब करेंगे क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर और मतलब बी स्क्वायर अपन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए अब इसको होल स्क्वायर को खोले देते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर को, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा
प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस के वन अपान कॉस थीटा इन टू साइन थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता, कितना होता है वन, और प्लस देखिए टू साइन थीटा इन टू कॉस थीटा माइनस वन अपान कॉस थीटा इन टू साइन थीटा। देखिए प्लस वन माइनस वन कैंसिल, टू साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, कितना बचा टू, यानी कितने बराबर हुआ वो टू के बराबर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जल्दी से अगला बना लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है मेरा, देखिए सेके प्लस टेन ए अपन वन माइनस सेके सेके प्लस टेन ए अपन वन माइनस साइन ए बराबर है, किसके बराबर है देखिए, देखिए क्या है क्वेश्चन, सेके प्लस टेन ए अपान अपान नहीं सॉरी वन इंटू वन माइनस साइन है, देखिए ये बताना है आपको किसके बराबर है। तो उससे कि क्या लिख लेंगे, वन अपान कॉस है प्लस टेन क्या लिख लेंगे, वन साइन अपान कॉस है, ठीक है। अब देखिए वन माइनस साइन है सेम लिख लिया, देखिए इसमें हर समान अंशों को डायरेक्ट जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, वन प्लस साइन अपान कॉस है इंटू वन माइनस साइन है। तो देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, अभी आपको इससे पहले ये वाला फार्मूला बताया था, ए प्लस बी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी वन का स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर, ठीक है अपान कॉस है, ये कितना बचा वन का स्क्वायर वन और माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है अपान कॉस है। तो वन माइनस साइन स्क्वायर है कितना, किसके बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक बराबर, और कॉस ए से ये पूरा एक पावर कैंसिल, कितना बचा यानी कॉस है, उसका उत्तर कितना आ जाएगा कॉस है। तो यानी इसमें उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, देखिए इसमें कॉस है सही हो जाएगा, इसमें दो सही हो जाएगा, इसमें नौ सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं, फोर वन प्लस टेन स्क्वायर है अपन वन प्लस कॉट स्क्वायर है, वन प्लस टेन स्क्वायर है क्वेश्चन नंबर फोर है, प्लस टेन स्क्वायर है अपन वन प्लस कॉट कॉट स्क्वायर है, देखिए किसके बताना है, तो इसे भी तोड़ लेंगे, वन प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता सेक स्क्वायर है, और वन प्लस कॉट स्क्वायर है बराबर किसका होता कोसेक स्क्वायर है, तो ठीक है। अब देखिए सेक अब देखिए सेक स्क्वायर को क्या क्या लिख लेंगे, वन अपान कॉस स्क्वायर है, और कोसेक स्क्वायर क्या लिख लेंगे, वन अपान साइन स्क्वायर है, ठीक है। इसे वन अपान कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है अपान वन, देखिए ये वन अपान कॉस स्क्वायर है, देखो सेम रोक लिया यहीं पे, अब साइन स्क्वायर है ऊपर लिए गए और वन को नीचे लेके आ गए, तो देखिए साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर है टेन स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिए इसमें कोई टेन स्क्वायर ऑप्शन दिया है, लास्ट डी ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जल्दी से, आपको हम बताते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे वाला सॉल्व कर लें जल्दी से आपको बताएं। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित सब समीकरण सिद्ध कीजिए, जहाँ वे कोण जिन कहाँ जहाँ वे कोण है जिनके लिए व्यंजक इनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है, ठीक है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर फाइव को, देखो हिंदी नहीं लिखेंगे इसकी, और डायरेक्ट पढ़ लीजिए आप, निम्नलिखित सब समीकरण सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जहाँ वे कोण है जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसका है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस कॉस थीटा अपन वन प्लस कॉस थीटा, ठीक है। आपको इसका ये बताना है, तो देखिए फ्रेंड्स सॉल्व कर लेते हैं इसको जल्दी से। अब देखिए कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, वन अपन साइन थीटा माइनस के कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले एलएचएस ही डायरेक्ट लेके सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। एलएचएस ले लिया, यह सबसे पहले एलएचएस लिखेंगे उसके बाद ये सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके हर समान अंशों को डायरेक्ट जोड़ घटा देंगे, तो वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान वन माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ठीक है दोनों का होल स्क्वायर। तो देखिए इधर इसको क्या कर लेंगे, तो अब वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
वन माइनस कॉस का होल स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर थीटा। देखिए समझ में आया नहीं आया, देखिए ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है, वन माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा, सेम सेम ऐसे पद लिख लिया। अब देखिए वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को अलग बना लिया, साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर ये अलग स्क्वायर चला दिया। तो देखिए अगला देखिए, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा क्या ले सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए हमें आर एच एस कितना बनाना है, वन माइनस कॉस थीटा अपान वन प्लस कॉस थीटा। तो देखिए अब देखिए इसको स्टेप बना लेते हैं अगला वाला, तो वन माइनस वन ये क्या है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का, वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। तो देखिए वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर रहने दिया, यहाँ पर इसे क्या कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा, यानी वन माइनस कॉस थीटा था एक पावर ये कैंसिल हो गई। तो देखिए क्या बचा, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। देखिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, तो आपकी आर एच एस यही कह रहा था, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला आया था आपका, कॉस ए अपॉन वन प्लस साइन ए, कॉस ए अपॉन वन प्लस साइन ए और प्लस इंटू वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू टू सेक ए। बहुत इजी क्वेश्चन है, टू सेक ए सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए इसे प्रूव कर देते हैं, क्वेश्चन मैंने लिख लिया, तो इसको एल एच एस ले लेते हैं। सबसे पहले कॉस ए अपॉन वन प्लस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, देखिए इसकी एलसीएम ले ले रहे हैं कॉस ए इंटू वन प्लस साइन ए, ठीक है, ऐसे एलसीएम ले लिया। तो कॉस ए की कॉस एस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इसको यहीं पर रोक लेंगे, इसको एलसीएम होल स्क्वायर खोले तो रहे, यानी कॉस स्क्वायर ए इंटू वन, यानी इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर नहीं फ्रेंड्स मालूम है तो देख लें आप, मैं आपको फिर से लिखा देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है। तो देखिए ए स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए, ठीक है। अब देखिए नीचे हर कथी सेम लिख लेंगे, कॉस ए इंटू वन प्लस साइन ए, ठीक है। अब देखिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर पास पास लिख लेंगे इसे, नहीं बोला था कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस वन और प्लस टू साइन ए, यही तो था अपान कॉस ए इंटू वन प्लस साइन ए। देखिए ये वाला स्टेप जो मैंने कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर पास लिख लिया, वन प्लस टू साइन ए अपान कॉस ए, हर चीज़ को सेम लिख लिया। अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर आपको अच्छी तरीके से जानते हैं वन होता है और प्लस वन ये वाला है और प्लस टू साइन ए अपान कॉस ए इंटू वन प्लस साइन ए, ठीक है। वन प्लस वन कितना हो जाएगा टू और प्लस टू साइन ए अपान कॉस ए इंटू वन प्लस साइन ए, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या कॉमन ले लेंगे, टू कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, वन प्लस साइन ए अपान कॉस ए इंटू वन प्लस साइन ए। देखिए वन प्लस साइन एस वन प्लस साइन ए कैंसिल, क्या बचा टू अपान कॉस ए, टू अपान कॉस ए बराबर किसके बराबर होता है टू सेक ए के। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। देखिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर अगला सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, आपको अगला बता के बताते हैं क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, टेन थीटा टेन थीटा अपन वन माइनस कॉट थीटा और प्लस कॉट थीटा अपन वन माइनस टेन थीटा इक्वल टू वन प्लस सेक थीटा प्लस वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉस एक थीटा। तो देखिए अगला ये वाला क्वेश्चन लिख लेते हैं जल्दी से, टेन थीटा अपन वन माइनस कॉट थीटा, टेन थीटा अपन वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपन वन माइनस टेन थीटा इक्वल टू वन प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। एल एच एस ले लें, ठीक है, इसका सबसे पहले अच्छा देखो ले लेते हैं, एल एच एस की फुल फॉर्म होती है लेफ्ट हैंड साइड cot थीटा अपन वन माइनस टेन थीटा, ठीक है, ये एल एच एस ले लिया। अब देखिए
LHS लेने के बाद अब देखिए इसको sin थीटा लिख लेंगे, क्या है sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 1 माइनस कितने लिख लेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस इसे क्या लिख लेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा। देखो इसमें tan थीटा लिख लिया sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है ये भी लिख लिया अपॉन 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब देखिए पेज पलट के इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, इसकी मल्टीप्लाई क्या होएगी, इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है ब्रैकेट बंद कर ली इसकी भी, और प्लस ये भी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से हम संख्या पलट देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू, अब ये वाली ऊपर चली जाएगी ये वाली नीचे आ जाएगी, देखिए साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब ऐसे इसको पलट देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान और कॉस थीटा इंटू इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी कितना हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस इसकी कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा, ठीक है। देखिए ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इससे पास पर लिख लिए कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगला स्टेप आ जाओ, अब देखिए यहाँ पर से क्या करेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा और प्लस के है। अब देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा अपान, अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा इंटू, अब ये साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करेंगे तो यहाँ पर क्या कितना आ जाएगा माइनस का माना जाएगा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पर भी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पर भी है तो यहाँ पर से कॉमन ले रहे हैं वन अपॉन साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन थीटा, ठीक है समझ गए होंगे आप। ऐसे बचा देखो कॉस साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस थीटा ये वाला बचा और इधर क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा अपन ये चीज वाला बचा साइन थीटा लिख लिया तो वन अपन साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए इसमें एलसीएम ले ले रहे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, देखिए साइन थीटा किससे मल्टीप्लाई हो कितना हो जाएगा साइन क्यू थीटा अब कॉस थीटा किससे मल्टीप्लाई हो जाए कितना कॉस क्यू थीटा, ठीक है। अब ये कितना हो जाए ये वाला देखिए इतना हो गया वन अपान साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फार्मूला लगा देंगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला आप अगर नहीं जानते हैं तो मैं फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू बकाया बराबर ए माइनस बी कॉमन ले लेंगे इसमें कितना बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो देखिए फ्रेंड्स ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है ए क्यू ए माइनस बी कॉमन लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो ए बी लिखा है वहां पर है ये ए बी है, ठीक है ए बी। तो देखिए ऐसे यहाँ पर भी करेंगे यहाँ पर क्या है साइन क्यू माइनस थीटा ये ए मान ले रहे हैं ये बी मान ले रहे हैं तो इसमें साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा देखो कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ब्रैकेट बंद कर दिया अपान बटे लिख लिया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। देखिए ये ऐसे अगर बंद कर दिया अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गए तो देखिए अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं वन, प्रूफ कितना करना है हमें हाँ ठीक है आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन लिख सकते हैं, ठीक है वन प्लस और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा,
ठीक है, अब वन को वन के नीचे भी से लिख लेंगे और उसके भी नीचे ही से लिख लेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, वन अपान क्या लिख लेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा जी कैंसिल हो जाएंगे। वन अपान कॉस थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा इंटू और वन अपान साइन थीटा कोसेक थीटा और प्लस वन। ठीक है, तो इसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेंट सेफ वो कर देते हैं, सेट कर देते हैं, वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, आपसे यही प्रूफ करवा रहा था, तो लिख सकते हैं आप एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वन प्लस सेक ए वन प्लस सेके अपान वन प्लस सेके अपान सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए। ठीक है, तो इसका एल एच एस सबसे पहले ले लेते हैं। तो देखिए इधर इसका एल एच एस सबसे पहले ले लेंगे। ठीक है, एल एच एस कितना है, वन प्लस सेके अपान सेके। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, वन प्लस सेको का काम तोड़ लेंगे वन अपान कॉस ए में। ठीक है, अब इसको हर को भी तोड़ लेंगे वन अपान सेके को, इसको भी तोड़ लेंगे वन अपान कॉस ए में। ठीक है, अब देखिए इसकी कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस ए की वन से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, कॉस ए प्लस वन अपान कॉस ए अपान वन अपान कॉस ए। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पलट लेंगे, कॉस ए प्लस वन अपान कॉस ए, यानी ये वाला सेम स्टेप रखेंगे और ये वाला ऊपर पहुंचा देंगे और वन को नीचे ले आएंगे, कॉस ए अपान वन। ठीक है, अब कॉस ए की इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे कॉस ए की, तो कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस वन अपान कॉस ए। ठीक है, तो देखिए कॉस ए अपान, तो देखिए इसे कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा कॉस ए प्लस वन। तो ठीक है, ये कितना आ गया, एल एच एस आ गया कॉस एस प्लस वन। तो देखिए इतना एल एच एस आ गया, अब यही हम स्टेप को आर एच एस को भी इतना ही शो करके दिखा देंगे। देखिए आर एच एस कितना है, साइन स्क्वायर ए आर एच एस कितना है, साइन स्क्वायर ए अपान वन माइनस कॉस ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए अपान वन माइनस कॉस ए। तो इसको देखिए क्या करेंगे हम, तो साइन स्क्वायर ए को क्या लिख लेंगे, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अपान वन माइनस कॉस ए। अब देखिए इसे, अब ये क्या कर सकते हैं, इसे होल स्क्वायर, इसे क्या कर लिया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना लिया। तो क्या लिख लेंगे, वन प्लस कॉस ए अपान वन माइनस कॉस ए अपान वन माइनस कॉस ए, सेम लिख लिया, तो माइनस कॉस ए वन माइनस कॉस ए कैंसिल, तो क्या बचा, वन प्लस कॉस ए। ठीक है, ये आ गया देखिए, तो आर एच एस भी साम आ गया, आर एच एस बराबर एल एच एस, या फिर बता सकते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है, सर्व समीका कॉस ए स्क्वायर ए बराबर वन प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, तो देखिए क्वेश्चन तुम्हारा आपका है ये वाला, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपान कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स हमें मालूम है आपको क्या करना होता है, एल एच एस को लेना होता है। तो एल एच एस कितना है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपान कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। तो देखिए पूरे स्टेप को साइन